23 साल बाद में पहाड़ में पंचायत चुनाव हुँदै छ। आज को समय को परिस्थिति र माग हेरेर यो जनता का हित का लागि हामीहरु गठबन्धन गर्दै छौं, किनभने यहाँ भ्रष्टाचार व्यापक रूप में फैलेको छ। क्यान्सर जस्तो यो भ्रष्टाचारले पहाडलाई समाप्त गरिसकेको छ र त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ गलत कुर्सी सही कुर्सी में गलत व्यक्ति बस्नु हुँदैन भन्ने हामीहरुको अडान छ र त्यही भएर हामीहरु एक मंच में आएका छौं र गठबन्धन हामीहरुको यो लेभलमा भइसक्यो। तल्लो ग्रासरूट लेभलमा पनि दुई तीन दिन पछाडीदेखि नै अलरेडी काम चलिरहेको छ र आगामी एक दुई दिन बाददेखि तपाईले व्यापक रूपमा नोमिनेसन फाइल गर्ने पनि पुरा तपाईहरुले देख्नु हुनेछ र विश्वास राख्नुहोस्, म तपाईहरुको तर्फबाट जनतालाई यही अपील गर्छु, यो जनताका हितका लागि, किनभने पंचायत चुनाव भनेको ग्रास रूट लेभलको चुनाव हो र यो चुनावमा जो व्यक्ति जित्छ त्यसले चाहिँ गाउँको विकास गर्छ। हेमरले यत्रो साल छु पनि हेर्यौ जीटीएले विकास गर्छ, यो खाली एउटा नारा मात्रै भयो, तर जीटीएले कुनै पनि आफ्नो बलबुतामा एउटा सिंको पनि भाँचेको पहाडमा देखेको छैनौ। केन्द्र सरकारबाट डाइरेक्ट पैसा आउँछ, त्यो पैसाले त्यो स्किमले आज गाउँ गाउँको आउँदो दिनमा यहाँ विकास हुनेछ र म तपाईहरुलाई निवेदन गर्छु, यही पंचायत चुनावले लिएर अरु के विषयवस्तु छ भने गर्नुहोस्, व्यक्तिगत तौरमा अरु जसलाई जे सोध्दा पनि हुन्छ। गोर्खाल्यान्ड पञ्चायतको सब्जेक्ट गोर्खाल्यान्ड होइन, मैले अघि भनिसके, विकासका लागि बाटो बनाउनका लागि मनरेगाको पैसा दिनका लागि ग्राम पञ्चायत लेभलमा प्राइमेरी अस्पताल बनाउनका लागि स्कुल ठिक गराउनका लागि प्रधानमन्त्री आवास योजना दिनका लागि र केन्द्र सरकारको अरु तमाम 72 वटा स्किम छन् त्यो सुचारु रूपले लागू होस्। राज्य सरकारको पनि जो ग्रामीण क्षेत्रका लागि जो स्किम छ त्यो भ्रष्टाचार मुक्त भएर सुचारु रूपले जनता समक्ष पुगोस् भनेर गरे। आज दार्जिलिङ के जिमखाना क्लब में सभी गठबंधन के जो हमारे बीजेपी गठबंधन के अलायंस पार्टी के साथी थे और उसके अतिरिक्त जीजीएम के अध्यक्ष श्री बिमल गुरुंग जी और हमरो पार्टी के अध्यक्ष श्री अजय एडवर्ड जी, हम सब लोग की एक सभा बैठी और सभा के बाद तो हमने ये निर्णय लिया है कि इस बार 23 साल बाद जब पहाड़ में पंचायत चुनाव हो रहा है, हम सब लोग गठबंधन में, और उसका हमने नाम भी दिया है कि यूनाइटेड गोरखा मंच, यूनाइटेड गोरखा गठबंधन, एक मंच बना करके हम लोग पंचायत चुनाव लड़ेंगे और हमारा पंचायत चुनाव में साथ आने का एक ही मकसद है कि पहाड़ में टीएमसी ने बहुत अन्याय अत्याचार किया और जो लोग पहाड़ में टीएमसी के गोदी में बैठ करके यहाँ शासन करते हैं उन्होंने व्यापक रूप से पहाड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ने दिया और पहाड़ का वो भ्रष्टाचार आज बढ़ते बढ़ते कैंसर का रूप ले चुका है। उस भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए, गांव-गांव में अच्छी सड़क बनाने के लिए, गांव-गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने के लिए, जो हमारे स्कूल बंद हो रहे हैं उसको दोबारा खुलवाने के लिए, घर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना पहुंचाने के लिए, मनरेगा का पैसा जो रुका हुआ है उसको वापस लाने के लिए, ब्याज समेत वापस लाने के लिए ये गठबंधन है और मुझे पूरा पक्का यकीन है जनता की भी यही मांग थी। गठबंधन एक ही साथ फील्ड में उतरेगा और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो पहाड़ में समाप्त हो जाएंगे। ऐसा है कि जो लोग ममता दीदी के साथ हैं उसके अलावा हम सब लोग एक साथ हैं। ये गठबंधन मात्र पंचायत चुनाव की दृष्टि से है,
और उसके बाद जो हमारा पुराना अलायंस था वो अभी इंटेक के एज इट इज रहेगा, भविष्य में क्या होगा वो भविष्य तय करेगा। हमने ये तय किया है कि हमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, त्याग करना पड़े, बलिदान करना पड़े, वो सब करेंगे, क्योंकि पहाड़ ने ऑलरेडी बहुत त्याग किया है, हर एक परिवार ने, हर एक जन ने। तो हम ये नहीं देखेंगे कि कौन कितना सीट लड़ रहा है, जिस गांव में जो व्यक्ति सबसे अच्छा कैंडिडेट होगा, हम सब लोग ने ये तय किया है कि हम सब लोग उसी की मदद करेंगे। व्यापक रूप से हम कोशिश करेंगे, डायरेक्ट जो नॉन पॉलिटिकल लोग भी जो समाज से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लोगों की उत्थान के लिए, भलाई के लिए जो सोचते हैं, काम करते हैं, उनको भी हम सहयोग करेंगे। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का अपना सिंबल है, पहले नंबर पे जो है कमल फूल रहेगा, क्योंकि अब टीएमसी तो जो है नेशनल लेवल की पार्टी रही नहीं, और बाकी सब लोग हमारे जो साथी हैं, और उस समय जो भी क्षेत्रीय दल है वो हमारे जो सिंबल अलॉट होगा, लेकिन सबने ये तय किया है कि एक ही सिंबल रखेंगे, जिससे पहचाने में वोटर्स को आसानी हो। राज्य में जिस तरह से वायलेंस दिख रहा है, जैसे पहले दिन ही एक आदमी की मौत हुई थी, कांग्रेस वर्कर था। आपको क्या लगता है पहाड़ में भी इस तरह का वायलेंस हो सकता है? नहीं, मैं उसकी भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर पश्चिम बंगाल में लोग मर रहे हैं, बम फूट रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि पंचायत चुनाव का जयघोष हो गया है। तो इसमें कोई इशू, जैसे पहाड़ का सेंटीमेंट है, बहुत पुराना डिमांड भी है सेपरेट स्टेट और यूनियन के बीच, वो अभी जिंदा क्या? है, स्थायी राजनीतिक समाधान, अलग राज्य या गोरखालैंड, वो मुद्दा पंचायत चुनाव का मुद्दा नहीं है, वो यथावत है। उस पे लिए जो भी काम करना चाहिए, जो प्रयास होने चाहिए, मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ, और सभी मेरे अलायंस पार्टी के साथी हमारे साथ हैं, जल्दी हमारी दिल्ली में मुलाकात भी होगी। आप लोगों का एजेंडा क्या रहेगा जब वोट मांगने जाएंगे, मैं एजेंडा बोल क्या? दिया ना, अच्छी सड़क बनाएंगे, घर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, आवास योजना देंगे, मनरेगा का पैसा देंगे, सारी सुविधाएं सरकारी देंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, एक जीपी में कम से कम डायरेक्ट ट्रांसफर होके 2 करोड़ रुपए साल में आता है, 112 जीपी है, यानी 225 करोड़ रुपए तो हर साल आता है। और अभी तक जो है 14th और 15th फाइनेंस कमीशन का जो है पैसा केंद्र सरकार ने रोक दिया, बाध्यतावश आज जाकर के जो है ममता दीदी को 2 टायरी सही उनको घोषणा करना पड़ा। 4,000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो पहाड़ की जनता के लिए आया था केंद्र की तरफ से, वो सबको डाइवर्ट कर दिया, इधर बोर्ड बनाया, वहां भ्रष्टाचार किया, उधर डाइवर्ट कर दिया, सो बहुत लूटा, अब और लूटने नहीं देंगे। जो फाइनेंस का बात हुआ, पहाड़ में जो फोर्स को देखिए, सेंट्रल फोर्स जरूर आएगी, जो परिस्थिति और स्थिति लग रही है, हमने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी केंद्र सरकार से निवेदन किया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मांग हुई है, और बाकी लोग भी मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है 12 तारीख को इसका फैसला होगा। हाई कोर्ट को भी यह संज्ञान में लेना चाहिए कि फ्री एंड फेयर, और जो है एक अच्छे वातावरण में अगर हम पंचायत चुनाव पश्चिम बंगाल में कराना चाहते हैं, तो सेंट्रल फोर्स एजेंसी क्या होना अति अनिवार्य होगा। अभी मैं फिर बोला, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये हमारा जो पंचायत का गठबंधन है, पंचायत तक ही है, भविष्य में क्या होगा वो भविष्य तय करेगा। जय हिंद, जय भारत। बस लास्ट प्रश्न, क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन? ये ऐसा है ना, और नहीं होते तो भी पूछते क्यों नहीं हुए। मैं बोल रहा हूं, ये समय की मांग है, और एक राजनीतिक दल होने के नाते सिर्फ लाभ और हानि कैलकुलेट नहीं होता। आज हमें लग रहा है हम मिल करके ऐसे लोगों को हरा सकते हैं जो भ्रष्टाचारी है, हमें खुशी है, हम अपना त्याग करके जनता को जिताना चाहते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती, यही तो समाज सेवा है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।